नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पर महाराष्ट्र की गोंदिया से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में गोंदिया बिजली कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिजली कर्मचारियों अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स NCCOE के आह्वान पर आज गोंदिया बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने मंडल कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने ऐलान किया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 वापस ना लिया गया तो देश भर 15 लाख बिजली कर्मचारी व इंजीनियर 10 अगस्त को एक दिन की हड़ताल कार्य बहिष्कार करेंगे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। इसके विरोध में देश भर में सभी बिजली कर्मी अधिकारी अभियंता ने आंदोलन को पुकारा है और आज ये पहला आंदोलन का पहला टप्पा है कि जिसमें सभी ये गेट मीटिंग कर धरना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा टप्पे टप्पे करते हुए 10 अगस्त को सभी लोग हड़ताल पे जाने वाले हैं। 2021 बिल के माध्यम से सरकार जो सभी बिजली कंपनियां हैं सभी को खाजगीकरण करके सरकारी कंपनी से हटा के खाजगीकरण परिवर्तित करने वाली है और हमने अभी तक के देखा हुआ है कि जितनी भी कंपनियां जो भी सरकारी संस्थाएं खाजगीकरण हुई हैं तो उसमें ग्राहकों को कुछ समय तक लगता है कि सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन हर बात में यह होता है कि हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं उनको, हर चीज़ के रेट दुप्पट। और जो कुछ खाजगीकरण बिजली में हुआ है उसको भी एकत्रित रूप से किया जाए, ट्रांसमिशन जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एकत्र किया जाए और सारा बिजली उद्योग जो पहले था उस प्रमाण में रखा जाए, क्योंकि इन्होंने जो पहला बिजली बिल लाया था 2003 में और सुधारित 2007 में, उसके माध्यम से जो सुधारना लाई गई है और बिजली का तीन कंपनियों में विभाजन किया गया मंडल से लेके, उसका कुछ भी यानी लाभ ग्राहक को नहीं हुआ ना ही आम जनता को हुआ। तो रात कंपनियां गायब हो जाती है और उसके बावजूद शासन इनको क्यों देना चाहती है यही समझने के लिए जनता ने एकत्रित होना चाहिए, क्योंकि इसका सभी जैसा पेट्रोल है, पेट्रोल महंगा हो गया लेकिन पेट्रोल गाड़ियां सीमित लोगों तक है, अगर सिलेंडर बोलते हैं तो सिलेंडर सीमित लोगों तक है, लेकिन बिजली ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और इसलिए आम जनता ने भी इसमें एकत्रित होकर इस बिल का विरोध करना चाहिए और हम बिजली कर्मियों के साथ में उन लोगों ने भी यानी आम जनता ने भी हमारे साथ में एक रूप होकर लड़ाई को हमारे लड़ना चाहिए, ऐसा हम इस आज की गेट मीटिंग के माध्यम से आह्वान करते।